पत्थर की चौकड़ी है, इतने एक आदमी बैठा तप कर नंगोटी पाके सिर्फ हाटी जो पूरा वो भी आया हमारे को बैठा सत्संग महाराज जी ने अपना सत्संग किया देगा। और फिर वो आदमी ने महाराज जी को नाम लेता, मैं शॉर्ट टर्म गल बनानी नाम लेता और उत्थे ही बैठ के उसने अभ्यास किया और फिर तो शब्द के नाल जुड़ी क्योंकि मिट्टी तो पहले ही उपजाऊ थी तैयार थी। जोड़ा आदमी परमात्मा लगा होक हो गए उन्हें जमीन में बिना तैयार किए बीज बोझ दो बो दो तो उसे फल बूटा खेती नहीं होएगी, लेकिन जी मिट्टी तैयार हो पिछले जन्म के संस्कार लेके आई हो और उसमें शौक भी हो गए वो तो मिंट नहीं लगता वो शब्द ना जो बाकी उन्हें पता लग गया तो इतिहास के कुछ नहीं। फिर जुत्ती मैंने गुरु ने देती हूँ चाहे मैं घर बैठ के कमा चाहे मैं जंगली तो मैं क्यों ना मारा ही नहीं कहते घर बैठ के कमा ना अपना कर्जा पूरा कर जे जीवन जो पैदा किया उन्होंने खर्च पूरे कर। वो आदमी फिर मारा ही ना ही वापस आ गया और चला गया उसे की ना मथुरा। फिर महाराज जी तो मैं सबू बुलाया तो महाराज तो मैं असं दोनों गए मैं क्या असं महीना रहे उन्होंने बड़ी सेवा की महाराज कहने का मतलब कि गुरु ज़्यादा तो गया हेम कौन लेकिन लियानी सी अपनी रूह उतों जी उन्होंने अपनी जीव सी जिसनों खिंचना सी अंदर का ज्ञान देना सी तो सब पुरुष जेडे ने जानते ने कि मेरा जीव कितने है और अलग अलग जीवों के अलग अलग संस्कार होंगे ने अलग अलग ही परचे पेंदे ने और अलग अलग ही हालतों के उन्होंने जीवों में खिंचया जाता है। ये नहीं कि जिस तरह मैंने खिंचया गया मास्टर नहीं उन्हें खिंचेंगे या ज्ञान में उन्हें खिंचेंगे नहीं जिस तरह किसी के कर्म ने जिस तरह पिछले संस्कार ने उसके मुताबिक ही वैसी लीला बनती है और जीव आता है सन उसे तीरथ कि कहते हैं कि तीरथ उसे जाओ जिथे थोड़ी आत्मा स्नान करे कोई सत्संग सुनो संत महात्मा के प्रवचन सुनो और उन्होंने कोई चीज ग्रहण करो कुछ प्राप्ति करे जे असं स्नान करके ही आ गए तो वो तीरथ तीरथ नहीं क्योंकि साचा अमृतसर काया माही जरा सच्चा अमृतसर है वो तेरे अंदर है जो भी तो बंदगी करेगा तो उस अमृतसर में तेरी आत्मा न आएगी और काम क्रोध लोभ अपने आप कटते जीव हो जाएंगे थोड़ी जी जी टेंडेंसीज ने साड़िया जुटिया ने नौ दरवाजे दिया वो अपने आप कटदिया शुरू हो जाएंगी और अपने आप काम क्रोध लोभ खत्म हो जाएंगे। यही ठीक मेडिसिन खाने के नाल जिस तरह बीमारी जाती है इस तरह ही ठीक रस्ता गुरु अपना जो सू दिता है वह भी ना साड़िया चीजें अपने आप पैसीफाई हो जाएंगे कूल डाउन हो जाए। सब जीव कहते हैं इन्नी देर तक उन्होंने शब्द का पेल साउंड आह नाद चीन के लॉगस कहते हैं यानी चीन एक भी संत है जेडे कि शब्द का प्रैक्टिस करते हैं अभ्यास करते हैं हर एक देश के हर कौम के संत सब कुछ मिलेंगे क्योंकि वह अर्ध शक्ति ने हर एक जगह के भी संत सब कुछ पैदा किए हैं जेडे कि चिताते हैं क्योंकि जब मालिक सच्चे ने रोटी का इंतजाम किया है कपड़े का किया है घर का किया है इस तरह जेडे उसमें निष्काम याद करते पे ने उन्होंने भी इंतजाम किया है उन्होंने वास्ते संत सतगुरु संसार आते हैं और उन्होंने जीवन में उतारे अंदर का पेज देखे कहते हैं शब्द का पेज जिन्हें जब तक नहीं मिलेगा उन्नी देर तक पचते ही पेने मूर्ख ने वह अपना टाइम वेस्ट करते पे सब कुछ बड़ी महान शक्ति होंगी क्योंकि मालिक सच्चे असं नहीं देखे असी जब देखिए सतपुरश के देखे इस करके असी सतपुरश के अगे सजदा करते हैं प्रेम करते हैं भक्ति करते हैं सेवा करते हैं कुरबानी करते हैं क्योंकि इसने सानू हरी के नाम मिलाया है। महाराज जी एक दसते थी संतान का हाथ फेरिया जाना एक जीव दे अज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाए महाराज जी दे क्या संतान के कोई भी वचन निकल जा मूह कोई भी बात निकल जा असी उस वे उसमें एक लाइटली लें हल्का लें लेकिन जब वक्त आता है उ वचन उन्होंने जेडे आकाशित खड़े ने जमीन से उतरते हैं और वह वचन पूरे हो जाते हैं और असी जीव की कहने महाराज जी इंज कहते महाराज जी उंज कहते उस वे ये नहीं सोचते कि महाराज जी दूर दराज की गल देखते थे पे इस करके वह सू कह रहे थे और उ गल हो सब पुरुष एक संत बंगाल तो आए
हमारा भी अपना अनुभव दसते पहले बंगाल तो आए शाहपुर के पंजाब इतने एक माँ और एक उसकी बेटी दोनों दर्शन कर गए। जिसे दर्शन कर गए उन्होंने बेटी ने कहने ने आ गई राम प्यारी मेरा नाम तो भी है कहने नहीं तेरा नाम राम प्यारी है तो पिछले जन्म भी मेरे दर्शन किए ने बंदगी की और उस पानी का प्रसाद दिता और मस्तक इतिहास के चले गए। जिसने लड़की 17 साल की हुई यानी उसके अंदर स्वरूप होते सही सतपुरुष 17 साल की हुई जवान हुई जिस वाले उसके हाथ पैर उत्ते और उस स्वरूप के उत्ते उस लड़की ने दिन ब दिन बैराग परमात्मा की इच्छा किस तरह क्योंकि वह जवान थी उसने उस मालिक ने इश्क के रूप में सतपुरुष नाम मिला और फिर बारी शब्द अपे और लड़की ना संतान का ही प्रेम जा और उन्होंने प्रेम के विराग के आके वह घर बार छक एक बड़े भाई सेठ की लड़की घर बार छड़ता वो जेब जे 5 रुपए थी वह बस लड़ बने और उसके घरों निकल गए। कभी वो किस जगह तलाश करे कभी किथे करे कभी हरिद्वार हेम को गंगोत्री कभी कभी यानी जिन्हें तीरथ थी सब जगह से उसने तलाश की और लड़की का बहाना होने करके उसमें कई मुश्किलात भी आई उस मुश्किलात उसने सीख लिया अपने आप में उसने जगह रख ली पसम रमा ली आदमी वसन उसने चौका पा लिया ताकि कोई पहचान ना सके मैं लड़की लेकिन वो सच्चा इश्क जरा उस लग गया थी वो कहता थी जरा संत अपना हाथ फेर के थी अपनी तवज्जो देंगे अगर हार के बड़ी निराश होके बदलता गई तो ये फिर क्या संत मिल जाने उसे एक महापुरुष मिले उन्होंने किया देख लेगी तू अपना मन इक कर लिया उन्होंने संतान की तलाश से तो बहुत तपस्या की बहुत कुर्बानी की लेकिन तेरे संत जेरे गुरु ने वो तेरे गुरु ने पिछले जन्म में वो तेनों बंगाल के मिला वर्धमान जिले इतने भी मिला वो फिर वो एक साखर भी बन गई लड़की औरत या कोई भी ना उसे दर्शन हो वो वीर